लद्दाख में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। जब शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना के बिहटा पहुंचा तो सुनील कुमार अमर रहे तो पूरा गांव गूंज उठा। तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंचा शहीद संतोष बाबू का पार्थिव शरीर, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी दी है। अखबार ने लिखा, भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे तीन फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इससे भारत की विनाशकारी हार होगी। चीन, पाकिस्तान या नेपाल की सीमा पर भारत को सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने BSNL को निर्देश दिया कि 4G सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न किया जाए। सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय ने कहा कि टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। संचार मंत्रालय BSNL के साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश देगा कि वो चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करें। सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीन की कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के 50 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स की पहचान की जिसने भारत की सुरक्षा को खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप्स के जरिए देश और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा भारत से बाहर भेजा जा रहा है। जूम, टिकटॉक जैसे ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर फोन पर चर्चा की। बातचीत में विदेश मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गलवान घाटी में जो हुआ वो चीन की पूर्व नियोजित और सोची समझी कार्रवाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को साफ कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर इस घटना का गंभीर असर पड़ेगा। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को बता दिया कि उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना चाहिए और ऐसी कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसका असर लंबा हो। विदेश मंत्रालय के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में यह तय हुआ कि दोनों देश इस विवाद को जिम्मेदार तरीके से संभालेंगे। ये भी सहमति बनी कि दोनों देश 6 जून को कमांडर स्तर पर बनी सहमति को ईमानदारी से पालन करेंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के मुताबिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी न्यूज ने भी हिंदी चीनी बाय बाय नाम से मुहिम शुरू की जिसे देश भर से जबरदस्त समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर जी न्यूज का हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन गया। भारत को निर्विरोध चुना गया। एशिया प्रशांत समूह की 31 सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार था। भारत को 192 में से 184 वोट मिले। ताइवान की एक न्यूज वेबसाइट ने ऐसी फोटो छापी है जिसमें श्रीराम को चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया। श्रीराम धनुष पर बाण साधे हुए हैं और एक ड्रैगन की ओर निशाना साधते हैं। इसके दाएं कोने में लिखा है, हम जीतते हैं, हम मारते हैं। वेबसाइट ने एक ट्विटर यूजर के हवाले से इस फोटो को लगाया। चीन ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ अमेरिकी संसद ने पारित बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन पर आरोप है कि करीब 10 लाख उइगर और तुर्की मूल के मुसलमानों को जिनयांग प्रांत के शिविरों में रखकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में शहीद हुए राज्य के रहने वाले 2 जवानों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। चीन की हरकत पर देश में आक्रोश, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन, चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान। मुंबई में चीन का विरोध किया गया, चीन के बने सामानों की होलिका जलाई गई, लोगों ने चीन के बने सामानों को बहिष्कार करने की अपील की। कर्नाटक के हुबली में चीन का विरोध किया गया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर को फाड़कर गुस्सा जाहिर किया गया। हरिद्वार में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुए, मां गंगा में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, चीन के प्रधानमंत्री के पोस्टर्स जलाए गए। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध किया, चीन के बने सामान को तोड़ा, चीन के राष्ट्रपति की तस्वीरों को जलाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा में देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अवंतीपोरा के पंपोर के मीज में रात 2 बजे सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ। रात से फायरिंग बंद है, इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बैठक में कहा कि अब लॉकडाउन नहीं होगा, अब हम अनलॉक 2 की बात करेंगे। चंद्रशेखर राव के मुताबिक उन्होंने लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किया था। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.